आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो कर रही थी नाश्ता और मैं कर रही थी उनका वेट। अब आप सोचेंगे वो क्यों, बताती हूँ मैं आपको सब। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल के आइकन को हिट कर दीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें जी जनाब, मैं इसी वजह से कर रही थी अपनी सिस्टर का वेट क्योंकि हम दोनों को जाना था मार्केट। अम्मी ने बना के दी थी हमको लिस्ट, हमें लाने थे ड्राई फ्रूट्स, और वो इसलिए क्योंकि आज अम्मी बनाने वाली हैं गोंद मखाने। अम्मी ने कहा सर्दियाँ आ चुकी हैं और यही मौसम है ड्राई फ्रूट्स खाने का, और ड्राई फ्रूट्स सादे तो नहीं खा सकते। और यहाँ पर हम काफ़ी देर में मार्केट से आए थे और शाम की चाय का टाइम था, तो हमारी अम्मी ने बना के रखे हुए थे फ्रिज में ये काले चने जो कि हम सबको बहुत पसंद है, हम काफ़ी बनाते रहते हैं ये। तो जल्दी से ये मेरी आप ही लेके आ गई थी, और इसे देख कर तो हमें अपना बचपन याद आ जाता है क्योंकि हम स्कूल से आते हुए ये ख़रीद के ज़रूर खाते थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने बचपन में क्या चीज़ ज़्यादा इन्जॉय की है। और चाय पीने के बाद मैंने और मेरी अम्मी ने जो है वो गोंद मखाने बनाए, तो शुरू करते हैं अपनी यही रेसिपी। जी जनाब, ये गोंद मखाने जो है हम दिल्ली वालों के यहाँ ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं ये, छोटे और बड़े सबके लिए ही फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में तो ये ताकत का ख़जाना है। अच्छा, अगर मैंने कहा सर्दियों में तो इसका मतलब नहीं कि आप इसको गर्मियों में नहीं खा सकते, आप 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाने का आइडियल मौसम जो है वो सर्दी ही होता है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। इस रेसिपी में तो टोटल घी लगा है, वो लगा था आधा किलो, और यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो घी लिया, और इसमें हमने 5 मगज को जो है वो फ्राई करना है। घी ज़्यादा गर्म ना हो वरना ड्राई फ्रूट्स जो है वो डालते ही वो जल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मैंने कुकिंग वीडियो की एडिटिंग कैसी की है, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है इसके ऊपर, ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 मगज फ्राई करके हमने एक साइड रख दिए हैं और उस घी को हमने छान लिया है, और उसी घी में हम अब फ्राई करने वाले हैं 100 ग्राम बादाम और 100 ग्राम पिस्ते। और आप पहले ही ड्राई फ्रूट्स जो हैं तमाम उनको साफ़ करके रख लीजिए, जो धोने वाली चीज़ है उसको धो लीजिएगा, क्योंकि तमाम तैयारी पहले ही होनी चाहिए वरना बीच में हाथ रुकेगा और काम जो है वो ख़राब हो सकता है। बादाम पिस्तों को भी हमने एक साइड पे ही रख दिया है, एक जगह ही रख दिया है हमने, और अब हमने इसमें और घी ऐड किया है क्योंकि हमें इसमें 150 ग्राम गोंद को फुलाना है। फुलाना ही कहा जाता है क्योंकि इसको पकाने का मतलब ये फूलती है जब ये पकती है, तो गोंद फुलाना ही कहा जाता है। जब ये पॉपकॉर्न की तरह बड़ी हो जाएगी तो मतलब ये तैयार है। और साथ में आप लोग चम्मच चलाते रहिएगा क्योंकि ये चिपकती बहुत ज़्यादा है, और स्टील के बर्तन में पका रहे हैं हम लोग, तो ये भी एक महारत होती है क्योंकि हर कोई स्टील में नहीं बना सकता, स्टील में बहुत ज़्यादा चिपकता है। और ये मैं भी नहीं, मेरी अम्मी बना रही है, अगर मैं होती तो ये सब कुछ जला चुकी होती है। और यहाँ पर गोंद जो है हमारी बन गई थी तो हमने भी उसको एक साइड पर रख दिया है। अब हमने जो है और घी शामिल किया है, हमने गोंद वाला घी छान लिया था, बहुत कम बचा था, हमने इसमें अंदर और घी शामिल किया है, और इसमें अब हम फ्राई करने वाले हैं मखाने को, क्योंकि ये ज़्यादा घी हमने लिया है, ये तमाम घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके अंदर कैल्शियम का जो है ये खजाना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी घर पर। और जब ये मखाने जो है सुनहरे हो जाएंगे तो फिर हम इसको अलग रखेंगे, यानी निकाल लेंगे हम अपने बर्तन से। एडिटिंग के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर मखाने जो है फ्राई हो गए तो हम लोगों ने इसको अलग बर्तन में डाल के इसको थोड़ा सा कूट लिया है। हवन दस्ता ले लें आप या बट्टा ले लें, लेकिन ग्राइंडर बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि हमें सिर्फ इसको कूटना है मोटा मोटा, हमें बारीक नहीं करना। और साथ में बादाम पिस्ते 5 मगज और गोंद को भी थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएँ और उसको भी कूटते जाएँ। ध्यान रखिएगा कि ये बहुत बारीक ना हो क्योंकि बारीक खाने में फिर वो गोंद मखाने नहीं, वो पंजीरी बन जाएगी, इसको खाने का अलग ही मज़ा है। इसको यहाँ पर मेरी अम्मी जो है वो कूट रही हैं और मैं अम्मी की बस हेल्प करा रही हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जा रही हूँ और अम्मी इसको कूटती जा रही हैं।
यहाँ पर हमारे हमने कूट के अलग रख दिए हैं। अब हमने लिया है 100 ग्राम खोपरा, हमने साबित खोपरा लेके उसको क्रश किया था, और इसके साथ ही हम ले लेंगे यहाँ पर 100 ग्राम छुहारे जो कि हमने धोकर खुश्क करने के बाद काट लिए हैं, और इसको हमने 2 चम्मच घी में ना फ्राई कर लेना है, और इसको भी हमने फ्राई करके अलग रख देना है। यहाँ पर ये तकरीबन फ्राई हो चुका है और हमने इसको अलग रख दिया। अब हमने दोबारा से उस भगोने को या बर्तन को साफ कर लिया है, और इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून घी, बल्कि इधर 3 टेबलस्पून यूज़ हुआ था, और इसमें हमने जो है वो अब फ्राई करनी है खशखश। हमने इधर 50 ग्राम खशखश ली है जिसको हमने धोकर सुखा लिया है। अच्छा, इसको धोना और सुखाना भी एक अलग प्रोसेस है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको वो प्रोसेस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। यहाँ पर मैंने कहा था 3 टेबलस्पून, क्योंकि हमें थोड़ा कम लगा तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून और शामिल कर दिया था, और इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है क्योंकि स्टील का बर्तन है, मैंने आपको बताया था, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। आप कोई भी बर्तन लें, इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और ये अगर ये ख़राब हो गई तो आपका मखानों का पूरा जायका ख़राब हो जाएगा। इसको ब्लैक बिल्कुल नहीं होने देना है, साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पर ये जब इसके अंदर बबल्स आने लगेंगे और इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा ना, तो इसका मतलब है ये तैयार है। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फ्राई हो गई, तो हमने तमाम कूटे हुए जो मेवे जाते वो सब हमने इसमें शामिल कर दिए, मखाने, बादाम, पिस्ते, गोंद, और ये फ्राई किया हुआ खोपरा और छुहारे भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम चीनी, और चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट मिक्स करना है, और इसमें हम 5 से 6 अदद ना उसके बीज निकाल के, हमने इसको धो के बीज निकाल कर काट करके डाल दिया है, और यहाँ पर हम सिर्फ इसको मिक्स करेंगे, हमें इससे ज़्यादा पकाना नहीं। 1 मिनट में हमने इसको पकाया, अगर चीनी मेल्ट होगी तो वो फिर चिपक जाएगी और जायका ख़राब हो जाएगा। बस हमने चीनी को मिक्स किया और इसको ठंडे बर्तन में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अगर इसी बर्तन में रहा तो ये चिपक जाएगा, क्योंकि बर्तन गर्म था। और इसको ठंडा होने से पहले कवर बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये हमारे मज़ेदार गोंद मखाने तैयार हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। जी जनाब, हो गया है डिनर टाइम और मैं करने जा रही हूँ डिनर, तो यहाँ पर मैं व्लॉग को करूँगी एंड। दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।